वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस का साइन एक्स, इस इंटीग्रल की वैल्यू बताना है। इसमें से ये डायरेक्ट यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बेस है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स इंटू में डी, इसी प्रॉपर्टी का आप यूज कर लीजिए इसका आंसर। अगर मान लीजिए इसको मैंने आई कंसीडर कर लिया तो ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कास का पाई बाई 2 माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स अपान में यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस साइन का पाई बाई 2 माइनस का एक्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से पाई बाई 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप चूंकि साइन 90 माइनस थीटा कास होता है और कास 90 माइनस थीटा साइन होता है, ये हो गया आपके पास साइन का एक्स डी एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स, ठीक है ये आपका रिजल्ट हो गया। देख लो कौन सा आंसर मिल रहा है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन दिस इज दी ऑप्शन, सही है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं कि इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी, मैंने इसको आई कंसीडर कर लिया, e की पावर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स है भैया, क्या करोगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, अगर मान लीजिए लेट करते हैं भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी, यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कोई चेंज नहीं होगा, टू ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा एक्स आ जाएगा इंटू में डी एक्स आएगा, ये डी टी के इक्वल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू एक्स की वैल्यू पूछू मतलब इसका रूट अगर निकालूँ तो ए एक्स इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा रूट की टी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को एक्स बता दो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू रूट का टी अपान में टी, यहाँ से मेरे को ओनली डी एक्स चाहिए, डी एक्स चाहिए तो क्या होगा डी टी अपान में टू ए स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से चूंकि हमारा सारा का सारा टर्म टी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो देखिए ये डी टी हो गया और ये हो गया टू ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकाले हो आपका रूट का टी अपान में इसकी एक पावर से इसको कट कर दो, यहाँ से आ गया आपका डी टी अपान में टू ए रूट का टी है कि नहीं डी टी अपान। अब देखो यहाँ पर चूंकि हमने इसको ए एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी माना मतलब लिमिट भी हमारी चेंज होगी, देखिए जब आपका एक्स जीरो पर जा रहा है तो देखिए टी आप कहाँ आ गए तब भी टी जीरो पर जाएगा, और जब एक्स इन्फिनिटी पर जा रहा है इन्फिनिटी का स्क्वायर तो उस इन्फिनिटी ही रहेगा, तो टी इन्फिनिटी मतलब लिमिट में चेंजमेंट नहीं है। अब आप इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लीजिए, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ही रहेगा, यहाँ पर ए की पावर माइनस टी आ गया और डी टी एक्स के स्थान पर ये डी एक्स की वैल्यू है, टी एक्स के स्थान पर क्या रखोगे डी टी अपान में टू ए रूट का टी, देखिए टू ए वन अपान में टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये हो गया वन अपान में टू ए इंटीग्रल जीरो टू रूट टी को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी और टी की पावर माइनस का वन बाई टू। अब देखिए इसको अगर मैं बनाऊँ तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं ये रिजल्ट जानते हैं इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट ए की पावर माइनस टी, और यहाँ पर हमारे पास होता है कि टी की पावर या एक्स में ले रहे हैं तो एक्स की पावर, ठीक है तो अगर मैं टी में लिख रहा हूँ तो टी की पावर क्या होता है एन माइनस वन इंटू डी टी जो होता है वो फैक्ट गामा टी की गामा एन के इक्वल आता है, ठीक है ना, तो अगर एक्स है तो एक्स में होता है टी है तो टी में होगा, तो इसको मेरे को इसके जैसा बनाना मेरे को एन माइनस वन जैसा बनाना, तो मैं क्या करूँगा इसको तो क्योंकि वाई वन अपॉइंट टू ए है इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट है ई की पावर माइनस टी है, अगर इस टी को मैं क्या लिख देता हूँ वन बाई टू माइनस का वन कर देता हूँ तो भी सब ट्रैक करूंगा तो माइनस वन बाई टू डी टी आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए वन अपॉन टू ये है ये गामा वन बाई टू हो जाएगा। अच्छा गामा वन बाई टू की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है रूट के पाई के इक्वल होती है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो रूट का पाई अपान में क्या आ जाएगा टू, रूट का पाई अपान टू आंसर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है ना।